और ये बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 2 दिन में 3 बड़ी चुनाव को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आज जांजगीर के सक्ती और धमतरी में वो सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर के राजभवन में आज पीएम मोदी का रात्रि विश्राम भी है और 24 अप्रैल को अंबिकापुर में जन समर्थन जुटाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो सभा को संबोधित करेंगे। और ये बड़ी खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। बता दें, इन 2 दिनों में पीएम मोदी 3 बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की आज की बात करें तो पीएम मोदी जांजगीर के सक्ती और धमतरी में सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर के राजभवन में नरेंद्र मोदी का रात्रि विश्राम भी है और 24 अप्रैल को अंबिकापुर में वो जन समर्थन जुटाएंगे। आपको बता दें, लोकसभा का पहला चरण का मतदान संपन्न हुआ है और अगले चरणों के लिए वो बीजेपी प्रत्याशी पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे वहां पर। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अनिल पुसतकर जी जुड़ गए हैं। सर, हमें बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के दौरे पर गए हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए हैं, जहां उनका पहला रात्रि विश्राम है, क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? जी शालिनी, 1000 से ज्यादा जो है पुलिस वालों की यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है और उसके अलावा भी 2000 अतिरिक्त बल भी यहाँ पे रिजर्व में हैं और पुलिस की एडवाइजरी भी जारी की गई है। एक एरिया को जो है रिजर्व जोन रख लिया गया है और रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे। इसके पहले भी रात्रि विश्राम वो जब संगठन मंत्री रहे हैं तब यहाँ पर जब प्रवास में आते थे तो कर चुके हैं, लेकिन ये हाल के सालों में जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला रात्रि विश्राम हुआ रायपुर में। और कल आज जो है वो महासमुंद और जांजगीर चांपा, इस दो लोकसभा की जो है एक एक रैलियां दोनों जगह एक एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा रात्रि विश्राम के बाद कल सरगुजा क्षेत्र में जो है वो एक बड़ी जनसभा को वहां पर संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव, उसके दूसरे चरण में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक धमतरी है, एक जो है महासमुंद है, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो आज एक सभा करने वाले हैं। उसके अलावा राजनांदगांव है और कांकेर है, जो नक्सल प्रभावित है। कांकेर और राजनांदगांव का भी एक हिस्सा नक्सल प्रभावित है, तो ये 3 सीटें हैं जहां चुनाव होना है 26 तारीख को। और पहले मतदान की जो चरण के मतदान में जो आंकड़ा मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा गिरा है, मामूली सा गिरा है, तो वो भाजपा के नेताओं की चिंता है, इसलिए शायद ही प्रधानमंत्री का भी जो लगातार जो दौरा है वो जारी है। और कल ही कांकेर में अमित शाह ने भी दौरा किया था और कांग्रेस भी यहाँ पूरी ताकत लगा रही है। प्रियंका गांधी कल ही राजनांदगांव में जो है भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर रैली और सभा कर गई है। जी शालिनी, सर, पहले चरण के मतदान के बाद क्या लगता है आपको, बीजेपी की अब क्या स्ट्रैटेजी होगी अगले चरण के लिए, कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े, लोगों का उत्साह बढ़े, क्या स्ट्रैटेजी होगी बीजेपी की? देखिए शालिनी, मैं खुद भी जो है इतने सालों से जो चुनाव देख रहा हूँ, इतना नीरस और ठंडा चुनाव मैंने देखा नहीं था। हालांकि सोशल पूरी सारी गर्मी जो है, एक तो तापमान की है, टेम्परेचर की है, दूसरा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी की डिबेट्स पे ही गर्मी दिख रही है, लेकिन जो गर्मी जिसे कहते हैं चुनावी गर्मी या जो ग्राउंड फील्ड पे जो उत्साह होता है वो देखने में आ नहीं रहा है। एकदम ठंडा ठंडा चुनाव चल रहा था, लेकिन ये 2 दिन से जो जिस हिसाब से जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री ने अपने निशाने पे लिया है और हिंदू मुसलमान की जो बात की गई है, तो वो एक चुनाव में गर्मी लाता हुआ दिख रहा है और पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी ताकत लगा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड जो रियलिटी है वो थोड़ा सा दूसरी है। लोग जो है खुद होकर तो आ ही नहीं रहे हैं और दूसरा जो कार्यकर्ता भी जो है जो एजेंट्स भी जो है पोलिंग एजेंट्स वगैरह वो भी शायद कार्यकर्ताओं को घर से निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले मतदान में थोड़ी गिरावट दिखी, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, चिंता करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा कहीं चूक ना हो जाए इसलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें जो है भाजपा ने अच्छी खासी जीत
दर्ज की थी और सरकार बनाने में असफलता हासिल की थी, लेकिन इससे पहले 2019 में तो वो सरकार बना भी नहीं पाई थी, लेकिन लोकसभा के जो नतीजे 6 महीने बाद आए, जो चुनाव हुए थे, उसके नतीजे जो है वो भाजपा के फेवर में आए थे, 9, 11 में से 9 सीट जीती थी। तो इस बार भाजपा जो है पूरा क्लीन स्वीप करना चाहती, 11 में से 11 सीट जीतना चाहती। अब एक तो सीट पर चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब बाकी जो है 11 बची 10 सीट उस पर जो है भाजपा ताकत लगा रही है। शालिनी, ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी। जो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरा है। पहले चरण के बाद 26 अप्रैल को चरण के छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री 2 दिन में 3 बड़ी चुनाव सभाओं को छत्तीसगढ़ में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का राजगीर के शक्ति और धमतरी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, और रायपुर के राजभवन में प्रधानमंत्री आज त्रिविश्राम भी करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला रात्रि विश्राम है।